हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सी यू ई टी टेस्ट, जिसको हम जनरली पहले सी यू सी टी टेस्ट भी बोलते थे। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है और इंडिया में इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब जो है हमारा सी यू ई टी टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, क्या एडमिशन कैसे होगा, क्या सारा सीन है, इसके बारे में हम कंप्लीट में चर्चा करेंगे। यार पिछले साल जो हमारा टेस्ट होता था उसका नाम होता था सी यू सी टी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अभी जो है इस टाइम पे सी यू सी टी डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन की वेबसाइट को एन टी ए ने खारिज कर दिया है और एक न्यू वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है सी यू ई टी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन, जो कि सक्सेसफुली रिलीज कर दी गई है। लेकिन उसका जो डेटा है वो पिछले साल वाला सी यू सी टी वाला डेटा उस पर अभी तक अवेलेबल है। ओके लेकिन अभी तक जो है एग्ज़ाम्स की उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है कि कब हमारा सी यू ई टी टेस्ट होगा, कैसे होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां शामिल होगी नहीं होगी। सो वहां पे एक फॉर्म अभी चल रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी को सी यू ई टी टेस्ट में शामिल होना है वहाँ पे जो फॉर्म चल रहा है अभी तक की जो है जितने भी यूनिवर्सिटियाँ अपने आप को जाके रजिस्टर कर दे, जो भी सी यू ई टी टेस्ट में शामिल होना चाहती है। दिस इज एन सिंगल विंडो टेस्ट। ओके, अब जो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज देंगे, एग्जाम होगा। एग्जाम आपका बेसिकली लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। अब जैसे ही आपका एग्जाम होता है आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर देगा एनटीए। अब जो है वहीं पे एनटीए का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी स्कोर आता है हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एडमिशन प्रोसेस अपने हिसाब से कंडक्ट करेगी। अब आपको जो है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, अपनी डिटेल भरनी है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा सी यू ई टी टेस्ट स्कोर इतना आया है, मुझे एडमिशन दीजिए। सो उसके बेसिस पे फिर जो है मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रकार से जो है ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं सिंगल विंडो टेस्ट, जिसके अंदर एग्जाम तो एक ही होता है लेकिन जो है हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एडमिशन लेती है। वैसे जनरली देखा जाए जैसे जोसा में होता है तो जोसा में एक बॉडी के पास जाके हम जो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें हर जगह जाके रजिस्टर करना पड़ता है, हर यूनिवर्सिटी के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता, इसीलिए इसका नाम सी यू ई टी टेस्ट रखा गया। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, जस्ट पहले जस्ट इसके रिगार्डिंग यार हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी चल रहा है। जस्ट अगर आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, आपने सोच लिया है कि मैं किसी भी प्रकार से एडमिशन लेके रहूँगा, सो आप जस्ट हमारे पास आ सकते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं जिसके अंदर हमारी फुली डेडिकेटेड टीम आपकी पूरी हेल्प करती है, एडमिशन के रिगार्डिंग आपका एडमिशन करवा के ही रहेगी। ठीक है, इतना दम रखती है हमारी टीम, आपको रगड़ देगी एकदम पढ़ा पढ़ा के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज आपके जो भी सामान्य ज्ञान जीके अदर 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 इकोनॉमिक्स लो फलाना 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 इसके रिगार्डिंग आपको जो है जचा के रगड़ देगी पढ़ा देगी एकदम। तो उसके रिगार्डिंग दो जो है सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहे हैं, एक नॉर्मल प्लान है, एक प्राइम मेंबरशिप प्लान है। प्राइम मेंबरशिप प्लान के अंदर एटलीस्ट जस्ट हम जो है एडमिशन करवा के ही रहते हैं, अगर आपका उसमें नहीं होता है देन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर एडमिशन करवाते हैं, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ते आवारा, बिल्कुल एडमिशन करवा के रहेंगे। तो जस्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जस्ट अगर अपन कट ऑफ की बात करें यार, 400 मार्क्स का टेस्ट होता है। सो पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, एटलीस्ट 1% का भी सिलेक्शन नहीं होता है, 0.40% लोगों का सिलेक्शन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। 400 मार्क्स का टेस्ट होता है, पिछली बार जो है फर्स्ट बार 400 मार्क्स का टेस्ट हुआ था तो थोड़ा सा कट ऑफ में इश्यू आया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था ऐसा टेस्ट। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान टेस्ट कंडक्ट करती थी, वहाँ पे क्या होता था पहले ही हमें सिर्फ 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी वो सारा सीन खत्म हो गया, अभी हम मन चाहे जितने चाहे उतने कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें। पहले वो नहीं था, पहले ये था कि 2021 से पहले आप सिर्फ 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो 800 रुपये देके, अगर आप 6 कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो देन 1600 रुपये दीजिए, देन उससे ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हो देन 800 और दीजिए। अब वैसा नहीं है, अब आपको सिर्फ एनटीए को कुछ फीस देनी है, देन आपको अपना रिजल्ट लेके हर यूनिवर्सिटी के पास जाके एडमिशन के लिए आप क्वारी कर सकते हो।
फिर कट ऑफ के बेस के हिसाब से लिस्ट जारी होते कि आपका एडमिशन हो गया है, आपका नहीं हुआ है, आपका हुआ है, ये लोग वेटिंग में चल रहे हैं, इस प्रकार से सारा एडमिशन कंप्लीट किया जाता है। तो ये था एडमिशन CUCT का सारा प्रोसेस। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जल्दी रिलीज होने वाला है, अप्रैल के इसी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रिलीज हो जाएगा। आप CUET.NTA.NIC की वेबसाइट पर विजिट करते रहे, जैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जस्ट आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम ज़्यादा बचा है नहीं, मई के अंदर आपका एग्जाम होने वाले हैं एटलीस्ट 25 से 26 मई को। तो यार खूब पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच। आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं देन जो है मैंने अपना पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया नीचे। और हाँ, स्पेशली एडमिशन वाले बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो जस्ट चेक इट नाउ। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच।